नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। भागलपुर की रहने वाली नर्स को अररिया के एक मुस्लिम लड़के से हुआ प्यार। इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक घर वालों का विरोध कर रचाई शादी। बता दें कि भागलपुर के असरगंज की रहने वाली निभा कुमारी सदर अस्पताल में जीएनएम के पद पर 5 वर्ष पूर्व तैनात हुई थी। उसे सदर अस्पताल में निजी ड्रेसर के रूप में काम करने वाले अली ने प्रेम के जाल में फंसा लिया और इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक निकाह भी हो गया। 26 अगस्त को डिलीवरी के ऑपरेशन में उसकी मौत एक निजी अस्पताल में हो जाती है। अब जीएनएम नर्स का पूरा परिवार अररिया के गैयारी स्थित अली के घर पहुंचकर बवाल काट रहा है। चूंकि मामला हिंदू मुस्लिम शादी और मौत से जुड़ा है, लिहाजा अली के घर पर नगर थाना की पुलिस भारी बल के साथ मौजूद है। मृतिका नर्स की बहन का कहना है कि अली बिना डिग्री के अररिया के निजी अस्पताल में ऑपरेशन करता है और उसी ने उसकी जान ले ली। परिजनों ने ससुराल वालों पर शारीरिक प्रताड़ना और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं आरोपी पति अली और उसके परिजन घर छोड़कर फरार हैं। फिलहाल नगर थाना पुलिस शव के पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही है। वहीं मृतिका नर्स निभा कुमारी के परिजन आरोपी पति अली समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा इंसाफ की गुहार लगा रही है। दीदी को मार दिया अली, कहा दिया हो, हम भी उसको मार देंगे। रोज मारता था डंडा से, वाइपर से। ये आपको कैसे पता चला कि मारता था? दीदी बोलती थी, मार लगा, मर दीदी बोलती थी। रोज दीदी हमको बोलती थी आगे मार लगा आगे। कोई ने बचा जो सब मुंह देखे जोगे, कोई ने बचा जो घर से निकाल देता था, खाना चाहती थी रूम में बंद कर देता था। कारण पैसा नहीं देती थी, पैसा लड़की से अफेयर है, जवान वो जवान से प्यार करता है। मेरी दीदी बूढ़ी हो गई है, वही बोलता था तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे। मारिया दिया तो अगला कहाँ है वो, उसका बुलाइए, हम भी उसको मार देंगे, जाएंगे जेल। हम भी कितना दिन पहले शादी हुई थी? 4 साल हो रहा होगा, 4 साल। साल भर ठीक रहा, साल भर के बाद वही धंधा हुआ इसके साथ। कौन हॉस्पिटल में काम? हाँ, सदर अस्पताल अररिया में। मामला तो कोई बात नहीं है, मान लिया कि उसका डिलीवरी हुआ था हॉस्पिटल में आज से 4 दिन पहले। ठीक है, फिर उसके मौत कैसे हो गया, क्या है उसका? मान लिया ये करके हॉस्पिटल में उसका आज रात में बुला के ऑक्सीजन उसका मान लिया डाउन होते जा रहा था, तो डॉक्टर के दिखाया, वो ये क्या कि रेफर कर दिया इसको पूर्णिया ले जाइए। पूर्णिया ले गया, मान लिया आईसीयू में भर्ती किया, वेंटिलेटर में ले गया, लेकिन रात में सुनते मालूम हुआ कि 3:30 बजे करीब डेथ कर गया। हॉस्पिटल में ले गया था जो रेफर किया पूर्णिया में, तो शायद एसएन में ले गया था। अररिया में कहाँ मौत हुई थी? अररिया मौत नहीं हुई है, पूर्णिया में। पूर्णिया में कहाँ हुआ था मौत? एसएन में ले गया था। एसएन कहाँ है? पूर्णिया में, वही लाइन बजा के। आपके शहर अररिया में खुल गया है अमन जापानी स्टील वर्कशॉप। यहाँ आपको मिलेगा नए नए डिजाइन के जापानी चदरा से बनी चौखट, खिड़की एवं 3D दरवाजे, अल्युमिनियम और फाइबर के दरवाजे एवं मटेरियल्स भी आकर्षित रेट में उपलब्ध है। जापानी चदरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है, तो देर किस बात की। आज ही संपर्क करें अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, NH 57 मदनी मस्जिद के बगल में, गोढ़ी चौक, अररिया। मोबाइल नंबर 8115232746।